अगर आपको अपना वाईफाई और भी ज़्यादा सिक्योर करना है तो इमीडिएटली आपको क्यूआर कोड बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी आपके नेटवर्क में आ सकता है, यूज़ कर सकता है एंड चला जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपके नेटवर्क में आया था और यूज़ किया था। सो एज ए एग्जाम्पल, अगर मुझे आपका वाईफाई नेटवर्क यूज़ करना हो तो मुझे बस एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ऑलरेडी आपके नेटवर्क पर कभी ना कभी कनेक्टेड था। उस डिवाइस की वाईफाई सेटिंग में जाना है, वाईफाई सेटिंग में आपको उस डिवाइस को उस नेटवर्क पर कनेक्ट करना है एंड टैप कीजिए क्यूआर कोड पर, एंड यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको शो हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को नए डिवाइस से स्कैन कीजिए और वो नया डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे। सो इस तरीके से कोई भी न्यू डिवाइस जिसको आपने पासवर्ड दिया भी नहीं है वो आपके नेटवर्क में आ सकता है एंड यूज़ करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही चीज़ अगर आपको अपने वाईफाई नेटवर्क में बंद करना है तो बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। हे गाइस, व्हाट्सअप, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं टेक DRX यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इसके लिए आपको अपने राउटर सेटिंग में जाना है 192.168.0.1। नहीं पता, आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, 99% लोगों का यही वाईफाई आईपी होता है 192.168.0.1, और ये चीज़ आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। क्रोम पे चले जाइए और क्रोम पे यही चीज़ टाइप कीजिए 192.168.0.1। उसके बाद आपको अपना एडमिन पैनल दिखेगा, जो आपका वाईफाई राउटर है उसका एडमिन पैनल, उस पर पासवर्ड दे देना। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है सिक्योरिटी पे। उसके बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको जाना है एक्सेस कंट्रोल में। आपको शायद ये एडवांस्ड ऑप्शन हर कोई राउटर में नहीं मिले, आपको बस ये सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी जाने के बाद एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में आपको ऐसे कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सभी राउटर्स में ये फीचर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे डिवाइस को व्हाइट लिस्ट में डाल के रखा है, तो दैट मीन्स तो उस डिवाइस को छोड़ के बाकी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके वाईफाई नेटवर्क पे, अगर आपका एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे ऑन हुआ तो। और अगर किसी डिवाइस को आपने ब्लैक लिस्ट पे डाल के रखा है, दैट मीन्स उस डिवाइस को आपने ब्लॉक कर दिया है, वो आपके वाईफाई नेटवर्क पे इजीली आ नहीं पाएगा। इजीली क्या, आ ही नहीं पाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो जितने भी डिवाइसेस है, मेरे पास, मेरे फैमिली के पास एंड मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उन सभी का मैक आईडी मैं यहाँ पे लेता हूँ। ऑनलाइन पे जो भी डिवाइस है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी डिवाइस को ऐड करना है व्हाइट लिस्ट पे, तो उसका यहाँ पे रिफ्रेश मारिए, उसका मैक आईडी या फिर आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो नया डिवाइस आया है आपके पास। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे उसको रीनेम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका रीनेम ऑप्शन, ये देखिए, मॉडिफाई पे आपका यहाँ पे डिवाइस नेम आ जाएगा, तो उसको ऐड कीजिए व्हाइट लिस्ट पे। एंड आफ्टर दैट एक्सेस कंट्रोल ऑन कर दीजिए। एंड उसके बाद कोई भी डिवाइस जो आपके व्हाइट लिस्ट में नहीं है वो आपके वाईफाई नेटवर्क पे घुस ही नहीं पाएगा, चाहे वो आपका क्यूआर कोड क्यों ना स्कैन करे। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है। और अगर इन केस कोई डिवाइस आपको हटाना है अपने व्हाइट लिस्ट से, तो वो चीज़ आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं एंड उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। व्हाइट लिस्ट में जो जो डिवाइस है सिर्फ वही कनेक्ट होगा, अदर देन दैट कोई भी डिवाइस, नया डिवाइस आपके नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं रहेगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है, आप इस तरीके से आपका वाईफाई नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है ऐसे ही वाईफाई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेस स्मार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम।